रहमान रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्रीनियन नर्स। क्रीनियन नर्स इज द नर्स विच अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन, नॉट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। देयर आर 12 क्रीनियन नर्स, बट हियर देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रीनियन नर्स, बट हियर इन दिस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन 6 क्रीनियन नर्स एंड द रिमेनिंग 6 लेक्चर आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी कैन टॉक अबाउट ईच क्रीनियन नर्स इंडिविजुअली। इन दिस लेक्चर वी कैन टॉक अबाउट ईच क्रीनियन नर्स individually and also about what is the origin of a cranial nerves. What is the origin of nerves? What structure it has been supplied, what fiber it contain, and what is the function of a nerves. And finally we decide that this and finally we decide that either this nerve is either sensory motor or both sensory and motor, and also talk about the clinical anatomy, and also talk about the clinical anatomy and the whole, what hole is responsible to pass the information to the central nervous system. So let's start from the olfactory cranial nerve. Olfactory cranial nerve is the first cranial nerves. ठीक है ना, इसका origin क्या है? Olfactory cranial nerves का origin क्या है? इसका origin है root of nasal cavity. ठीक है ना, वट स्ट्रक्चर इट हैज़ बीन सप्लाइड, कौन से स्ट्रक्चर को ये सप्लाई करते हैं? नेसल केविटी को सप्लाई करते हैं। वट फाइबर इट कंटेन, ऑल्फैक्ट्री क्रीन नर्स में कौन से फाइबर पर ये मुश्तमिल है? तो इट कंटेन स्पेशल विसरल एपरेंट। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, SVA स्पेशल विसरल एपरेंट फाइबर है। ठीक है ना, ये इस पर मुश्तमिल है। उसका फंक्शन क्या है? स्मेल। ऑल्फैक्ट्री क्रेनियल नर्व्स स्मेल को रिसीव करती हैं। ठीक है ना, और ये स्मेलिंग किया कौन सा नर्व है? सेंसरी है, मोटर है, या बोथ सेंसरी एंड मोटर? तो ये हमारे पास क्या है? सेंसरी नर्व है। ऑल्फैक्ट्री क्रीनियल नर्व इज द सेंसरी नर्व्स। ये क्या करती हैं? इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं। कहाँ से? नोज से इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, और कहाँ पर लेके जाती है? तो नोज में क्या मौजूद होते हैं? ऑल्फैक्ट्री पोरामेना ऑफ क्रिबी पॉम्पलेट ऑफ एथमॉइड बोन। ये मौजूद होती है, यहाँ से इंफॉर्मेशन पास आउट करती है, और कहाँ पर लेकर जाती है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होती है, इसको कहते हैं ऑल्फैक्ट्री बल्ब। दिस इज कॉल्ड
ऑल्फैक्टरी क्रैनियल नर्व 1 इज द फर्स्ट क्रैनियल नर्व्स, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड ऑप्टिक क्रैनियल नर्व्स को। ऑप्टिक क्रैनियल नर्व्स इज द सेकंड क्रैनियल नर्व्स, ठीक है ना। इसका ओरिजिन कहाँ पर है? ऑप्टिक क्रैनियल नर्व्स का ओरिजिन रेटना में मौजूद होती है, ठीक है ना। रेटना इज ए स्पेशल स्ट्रक्चर इन द आई। इट कंटेन ए स्पेशल रिसेप्टर इज कॉल्ड फोटो रिसेप्टर। द फोटो रिसेप्टर कंटेन रॉड एंड कॉन सेल्स, ठीक है ना। रेटना में ये ऑप्टिक क्रैनियल नर्व्स का जो जो स्ट्रक्चर्स होती है, व्हाट स्ट्रक्चर्ड हेड्स इट हैज़ बीन सप्लाइड। तो रेटना में स्पेशल रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, उसको हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं। फोटो रिसेप्टर में रॉड एंड कॉन सेल्स मौजूद होती है। तो ये रॉड एंड कॉन सेल्स फोटो रिसेप्टर के ज़रिए से मैसेज को या इम्पल्स को रिसीव करती हैं, ठीक है ना। और ये इम्पल्स या इंफॉर्मेशन थ्रू ए स्पेशल सेंसरी एपरेंट एक फाइबर्स है, इसके ज़रिए से मैसेज कहाँ पर जाती है? ब्रेन की तरफ जाती है। तो कौन सा फाइबर? स्पेशल सेंसरी एपरेंट क्या है? फाइबर है। इसकी ज़रिए से फोटो रिसेप्टर लाइट को रिसीव करती है, ठीक है ना। इसमें रॉड एंड कॉन सेल्स मौजूद होती हैं। तो इस रेटना का फंक्शन क्या है? विजन है। इसकी वजह से हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका फंक्शन है विजन। अब आते हैं कि ये कौन सा नर्व है? सेंसरी है, मोटर है या बोथ है, ठीक है ना। ये हमारे पास कौन सा है? सेंसरी नर्व है, क्योंकि ये फोटो रिसेप्टर क्या करते हैं? एपरेंट है, ठीक है ना। एपरेंट स्पेशल सेंसरी एपरेंट फाइबर होते हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से हम उसको कहते कि सेंसरी ऑप्टिक नर्व्स है, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन को कहाँ पर? आई बाल में ये मैसेज कहाँ पर? यह इम्पल्स ऑप्टिक कैनाल के ज़रिए से सेंट्रल नर्व सिस्टम की तरफ जाती है। तो ये क्या है? ऑप्टिक कैनाल है, ठीक है ना। इसके ज़रिए से ये फाइबर कहाँ पर जाती है? सेंट्रल नर्व सिस्टम। और सेंट्रल नर्व सिस्टम में ये क्या है? ये इसका ऑप्टिक चेस्मा। ऑप्टिक चेस्मा इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और फिर इसकी वजह से हमें चीज़ें नजर आती हैं। द थर्ड वन इज कॉल्ड द ऑकुलोमोटर क्रैनियल नर्व्स। ऑकुलोमोटर क्रैनियल इज द थर्ड क्रैनियल नर्व्स, ठीक है ना। उसका रीजन कहाँ पर होती है? मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। इसका ओरिजिन कहाँ पर होती है? मेम्ब्रेन। कौन से स्ट्रक्चर को ये सप्लाई करती है? सुपीरियर रेक्टस मसल्स, इंपीरियर रेक्टस मसल्स, इंपीरियर ओब्लिक मीडियल रेक्टस मसल। ये मसल क्या है? ऑकुलर मसल्स है, ठीक है ना। सुपीरियर ऑकुलर रेक्टस मसल इस तरह भी कह सकते हैं, इंपीरियर रेक्टस अप ऑकुलर मसल्स, इंपीरियर ओब्लिक अप ऑकुलर मसल, मीडियल रेक्टस अप ऑकुलर मसल्स। ये आई बाल का मसल्स हैं, ठीक है ना। ये वहाँ पर ये सप्लाई करते हैं इसको। इसमें कौन कौन से फाइबर्स मौजूद होते हैं? जनरल सोमेटिक एपरेंट ये फाइबर मौजूद है, और जनरल विसरल एपरेंट GVE भी हम उसको कहते हैं। तो जनरल सोमेटिक, सोमा मीन्स बॉडी, एपरेंट से हमें क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मोटर है, ठीक है ना।
लेकिन इसलिए ये मोटर है कि मसल्स को सप्लाई करते हैं। कौन कौन से मसल्स? सुपीरियर रेक्टस, इंपीरियर रेक्टस, इंपीरियर ओब्लिक, मीडियल रेक्टस, ठीक है ना। एंड इसकी वजह से हमें मोटर कहते हैं। ये जनरल विसरल एपरेंट, ये हमारे पास पैरासिम्पथेटिक नर्व है, ठीक है ना। ये आई का जो प्यूपल है और सीलियरस मसल्स है। अब पहले हम फंक्शन की तरफ आते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फंक्शन उसके क्या है। आई मोमेंट है, आई लिड मोमेंट है, प्लेकिंग ऑफ द आई एंड अकोमोडेशन ऑफ सीलियरस, ये भी मसल्स है आई में एंड प्यूपल साइज। ये आई मोमेंट और आई लिड ये कौन से नर्व फाइबर की वजह से होती है? जनरल सोमेटिक एपरेंट फाइबर की वजह से इसका ई मोमेंट ई कंट्रोल करते हैं। ये एकोमोडेशन ऑफ सीरियरस एंड प्यूपल साइज ये कौन कंट्रोल करते हैं? जनरल विसरल एपरेंट, ये पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर है, ठीक है ना। जो आई प्यूपल का जो मियोसिस ऑफ द प्यूपल एंड मीडियोसिस ऑफ द प्यूपल, ठीक है ना, ये इज अकोमोडेटेड बाय द सीलियरस मसल्स, ठीक है ना। इसके आयरस के इर्द गिर्द सीलियरस मसल्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से प्यूपल साइज को कम जब छोटा करते हैं उसको हम मियोसिस कहते हैं, जब प्यूपल साइज एनलार्ज हो जाते हैं हम उसको मीडियोसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल करते हैं जनरल सोमेटिक एपरेंट और जनरल विसरल एपरेंट की वजह से। ये क्या है, ये कौन सा नर्व है? ऑकुलो मोटर क्रैनियल नर्व्स, ये है मोटर क्रैनियल नर्व्स, ठीक है ना। क्यों इसको हम मोटर क्रैनियल नर्व्स कहते हैं? क्योंकि ये मोटर का काम करते हैं, सुपीरियर रेक्टस इंपीरियर मसल्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ये भी ये फाइबर किस के जरिए से पास आउट होते हैं? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स, आई जिस जगह में मौजूद होते हैं उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। उस ऑर्बिट में ऑर्बिटल फिशर्स मौजूद होते हैं, उस ऑर्बिटल फिशर के जरिए से ई अकोमोटर क्रैनियल नर्व्स पास आउट हो जाते हैं और कहाँ पर जाते हैं? मिड ब्रेन, ठीक है ना, मिड ब्रेन में ये जाती है, ठीक है ना। मिड ब्रेन में मैंने जो पहला वाला लेक्चर था उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि मिड ब्रेन कंटेन फोर बॉडीज, हम उसको क्वाड्रेजेमिना भी कहते हैं। तो वो क्वाड्रेजेमिना दो तरह के होते हैं, दो तरह के हैं, सुपीरियर कैलिक्यूलाई एंड इंपीरियर कैलिक्यूलाई। तो ये क्या है? सुपीरियर कैलिक्यूलाई है, ठीक है ना। तो ये ऑकुलोमोटर क्रैनियल नर्व्स ये सुपीरियर ऑर्बिटल फेशर के जरिए से पास आउट होके कहाँ पर जाती है? मिड ब्रेन की तरफ जाती है। अब आते हैं क्रैनियल नर्व्स पोर की तरफ। तो क्रैनियल नर्व्स ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर इज द क्रैनियल नर्व पोर। ये क्या है ट्रोक्लियर? ये क्या है? क्रैनियल नर्व्स पोर है, ठीक है ना। अब उसकी ओरिजिन क्या है? उसकी ओरिजिन कहाँ पर मौजूद होती है? मिड ब्रेन में मौजूद होती है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख लें, ठीक है ना। और इसका कौन कौन से स्ट्रक्चर को ये सप्लाई करती हैं? ये सुपीरियर ओब्लिक, ये भी ऑकुलर मसल्स है आई को, ये सप्लाई करती है। ट्रोक्लियर क्रैनियल नर्व्स भी कहाँ पर? आई को सप्लाई करती हैं, ठीक है ना। इसमें कौन सा फाइबर मौजूद होते हैं? जनरल सोमेटिक एपरेंट, ठीक है ना। जनरल सोमेटिक एपरेंट, एपरेंट मतलब वो है कि ये मोटर फाइबर है, ठीक है ना। तो इससे हमें ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा फाइबर है? मोटर फाइबर है। उसका फंक्शन क्या है? आई मोमेंट है, क्योंकि ये सुपीर ओब्लिक मसल्स को सप्लाई, ऑकुलर मसल को सप्लाई करती है। जब ये उसको सप्लाई करती है तो इसका फंक्शन क्या होगा? आई मोमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये भी ये ट्रोक्लियर क्रैनियल नर्व्स भी किस चीज़ से पास आउट होते हैं? सुपीरियर ऑर्बिटल प्रेशर, जिस तरह ये ऑकुलोमोटर क्रैनियल नर्व 3 जब पास हुआ है होता है ना। तो इसी तरह सुपीरियर ये ट्रोक्लियर क्रैनियल नर्व 4 भी सुपीरियर ऑर्बिटल प्रेशर से पास आउट होकर कहाँ पर जाती है?
मेड ब्रेन की तरफ जाती है, ठीक है ना। इसकी वजह से फिर आई की मूवमेंट शुरू हो जाती है। अब आते हैं फाइव की तरफ, ट्राइजेमिनल। ई ट्राइजेमिनल क्रैनी नर्व इज फाइव। ई ट्राइजेमिनल नर्व इज द फाइव फिफ्थ क्रैनी नर्व्स है, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस ट्राइजेमिनल नर्व्स में क्या मौजूद होती है, मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियस मौजूद होती है, ठीक है ना। और ये न्यूक्लियस इसके उसमें कौन कौन से न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, इस द फर्स्ट वन इसका मेसेंसिपेलिक न्यूक्लियस। ये मेसेंसिपेलिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द मेडब्रेन। दूसरा है प्रिंसिपल पोर्टाइन न्यूक्लियस। ई न्यूक्लियस किस चीज़ में मौजूद है, ये भी ये पॉन्ड्स में मौजूद होती है। थर्ड वन इज स्पाइनल न्यूक्लियस। ई मोस्टली मिडल ऑब्लिगेटम में एंड लिटिल बिट इन द स्पाइनल कैनाल। एंड फोर्थ वन इज द ट्राइजेमिनल मोटर न्यूक्लियस, ये भी फॉन्स में मौजूद है। ये इसका ओरिजिन है, ठीक है ना। ये जो फोर्थ न्यूक्लियस है ये ट्राइजेमिनल का ओरिजिन है। यहाँ पर इसकी वहाँ पर ये मौजूद होते हैं, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस। अच्छा, ये कौन कौन से स्ट्रक्चर को ये सप्लाई करती हैं? ट्राइजेमिनल नर्व्स सप्लाई करती है स्किन ऑफ स्कॉल्प को, मतलब स्कॉल्प फोर हेड को सप्लाई करती है, आईलेट को सप्लाई करती है, कंजक्टिवा को सप्लाई करती है, एक्सटर्नल ईयर यहाँ पर सप्लाई करती है, स्किन ऑफ जॉ यहाँ पर सप्लाई करती है, चिन को सप्लाई करती है, नोज को, इन नेसल कैविटी को सप्लाई करते हैं एंड ओरल कैविटी को सप्लाई करती है, ठीक है ना। ये सप्लाई करती है एंड आल्सो सप्लाई टू द मसल ऑफ मेस्टिकेशन, जिसकी वजह से हम मिस्टिकेशन खुराक को हम जब मिस्टिकेट करते हैं तो वहाँ पर भी ये इसकी सप्लाई होती है वहाँ पर। तो ये मिस्टिकेशन में दो तरह के मसल्स आते हैं, ठीक है ना। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड टेंसर टिम्पेनाई मसल्स, ठीक है ना। ये कहाँ पर मौजूद है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये वहाँ पर मौजूद होते हैं टेंसर टिम्पेनाई। और दूसरा जो मिस्टिकेशन में वो टेंसर वेलाई पेलेटेनाई, जो पेलेटाइन हार्ट प्लेट में जो प्लेटाइन है वहाँ पर ये इसकी सप्लाई होती है, ठीक है ना। अच्छा, इस ट्राइजेमिनल नर्व्स में कौन सा फाइबर कौन कौन से फाइबर मौजूद होते हैं। फाइबर इसमें स्पेशल वेसरल एपरेंट, कौन कौन सा फाइबर है, स्पेशल वेसरल एपरेंट। तो वेसरल एपरेंट क्या है, हाँ, इसमें स्पेशल विसरल एपरेंट फाइबर्स होते हैं। तो ये एपरेंट क्या है, मोटर है, ठीक है ना। ये जनरल सोमेटिक एपरेंट ये क्या है, कौन सा फाइबर है, सेंसरी है। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व्स सेंसरी भी है और मोटर दोनों है, ठीक है ना। तो ये इसको हम क्या कहते हैं कि बोथ सेंसरी एंड मोटर क्रैनी नर्व्स है। उसका फंक्शन क्या है, ये इसका फंक्शन ये है कि पहले तो ये सप्लाई कहाँ पर होती है, ठीक ना, स्कॉल्प, आईलेट, कंजक्टिवा, एक्सटर्नल ईयर, स्किन ऑफ जॉ, चिन, नोज, नेसल कैविटी, ओरल कैविटी एंड मिस्टिकेशंस, दोनों फंक्शन है उसका, सेंसरी भी है मोटर भी है, ठीक है ना। तो ये इसका फंक्शन ये है सेंस ऑफ टच, ये हम फील कर सकते हैं ट्राइजेमिनल नर्व के जरिए से। टेम्परेचर को हम फील कर सकते हैं, प्रेशर को हम फील कर सकते हैं, मिस्टिकेशन आल्सो, ये इसका क्या है, फंक्शन है। अच्छा, ये ट्राइजेमिनल नर्व्स ये सप्लाई करती है सेंट्रल नर्व सिस्टम को, ठीक है ना। और दिस ट्राइजेमिनल नर्व इज डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांचेस। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड V1, द सेकंड इज़ द V2 ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल, एंड द
थर्ड वन इज द वी थ्री ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल. वी वन इज द अप्थाल्मिक. क्या है? अप्थाल्मिक नर्व है, ठीक है ना. अप्थाल्मिक नर्व ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व्स है, ठीक है ना. और ये नर्व कहाँ से पास आउट होती है? सुपीरियर ऑर्बिटल फेशर से, ठीक है ना. जो अप्थाल्मिक क्रैनियल नर्व्स है, ये क्रैनियल ट्राइजेमिनल नर्व इज डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांचेस. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड अप्थाल्मिक. तो ये अप्थाल्मिक नर्व जो है ना, वो किस चीज़ से पास आउट होते हैं? सुपीरियर ऑर्बिटल फेशर से, ठीक है ना. और द वी टू इज द मैक्सिलरी नर्व्स. ये क्या है? मैक्सिलरी नर्व है, ठीक है ना. ये किस कौन सा क्या है पोरामिन से पास आउट होते हैं? उसको हम पोरामिन रोटंडा कहते हैं या रोटंडम कहते हैं, ठीक है ना. ये यहाँ से पास आउट होते हैं. और वी थ्री इज द मैंडिबुलर नर्व्स, ठीक है ना. ये मैंडिबल को जो सप्लाई होते हैं. ये कौन से पोरामिन से इसकी पास आउट होती है? पोरामिन ओवियल, वहाँ से इसके पास. एंड दीज थ्री नर्व्स, अप्थाल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर नर्व्स, फाइनली दे विल फॉर्म ए ट्राइजेमिनल गैंग्लिया, ठीक है ना. और ये पॉन्स में इसकी सप्लाई होती है, ठीक है ना. द सिक्स्थ वन इज द एब्डूसन स्क्रीनिंग नर्व्स, ठीक है ना. ये क्या है? एब्डूसन स्क्रीनिंग नर्व्स है. उसका ओरिजिन कहाँ पर होती है? पॉन्स में. ये क्या है? ये पॉन्स, ये मेडब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेडुला ओब्लॉन्गेटा है. तो एब्डूसन्स का ओरिजिन कहाँ पर होती है? पॉन्स में होती है, ठीक है ना. कौन कौन से स्ट्रक्चर को ये सप्लाई करते हैं? लेटरल रेक्टस. ये लेटरल रेक्टस ऑफ ऑक्युलर मसल्स. आई का जो आई में तकरीबन 6 to 7 मसल्स होते हैं, ठीक है ना. उसमें ये लेटरल रेक्टस ऑक्युलर मसल्स भी हैं, ठीक है ना. ये कौन से फाइबर की वजह से इसकी सप्लाई होती है? जनरल सोमेटिक एपेरेंट, ठीक है ना. जब सोमेटिक एपेरेंट है तो ये कौन सा नर्व फाइबर है? मोटर है, ठीक है ना. और इसका फंक्शन क्या है? आई मोमेंट है, ठीक है ना. अब ये इसका फंक्शन है. ये एब्डूसन क्रैनियल नर्व्स ये पास आउट होते हैं थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फेशर्स, ठीक है ना. और कहाँ पर लेके जाते हैं? पॉन्स में. ये सिक्स क्रैनियल नर्व्स हैं, ठीक है ना. इसमें एनाटॉमी में इसको मैं ये जो पोरामिन है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट इज पोरामिन? पोरामिन इज एन ओपनिंग. पोरामिन इज एन ओपनिंग विच अलाउ द पैसेज ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन्स, ठीक है ना. इसको हम पोरामिन कहते हैं. उस पोरामिन में ब्लड वेसल भी पास आउट होते हैं, क्रैनियल नर्व्स भी पास आउट होते हैं. ब्लड वेसल में आर्टरी, वेन, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना. अब टाइप्स ऑफ पोरामिन इन द स्कल या क्रैनियल नर्व्स नर्व पोरामिना. क्रैनियल नर्व्स में कितने पोरामिन मौजूद होती है या टाइप्स ऑफ पोरामिन कितने होती है इन द स्कल में, ठीक है ना. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑप्टिक कैनाल, ठीक है ना. ऑप्टिक कैनाल, ठीक है ना. इसमें क्या कौन सा नर्व पास आउट होते हैं ऑप्टिक कैनाल में? ऑप्टिक क्रैनियल नर्व टू, ऑप्टिक कैनाल ये है, ठीक है ना. दूसरा है सुपीरियर ऑर्बिटल फेशर. सुपीरियर ऑर्बिटल फेशर में कौन कौन से नर्व पास आउट होते हैं? ऑकुलोमोटर क्रैनियल नर्व थ्री ये पास आउट होते हैं. ट्रोक्लियर क्रैनियल नर्व्स फोर, ठीक है ना. सुपीरियर ऑर्बिटल फेशर में अप्थाल्मिक क्रैनियल नर्व्स आते हैं V1, ये
V1, ठीक है ना, ये भी आती है, ठीक है ना। सुपीरियर ये क्या है, सुपीरियर ऑर्बिटल प्रेशर्स। तो इस सुपीरियर ऑर्बिटल प्रेशर में अबताल में क्रीनियल नर्व्स क्या है, V1 है, ठीक है ना, और एब्डूसन क्रीनियल नर्व्स V6, क्या है, क्रीनियल नर्व्स 6, ठीक है ना। पोरामेन रोटांडम ये भी पोरामेन है, ठीक है ना। इसमें कौन से नर्व्स पास आउट होते हैं, पोरामेन रोटांडम क्या है, ये है, ठीक है ना। तो इसमें मैक्सिलरी नर्व्स पास आउट होते हैं और मैक्सिलरी नर्व्स इज द ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व्स, ठीक है ना। फोर्थ वन पोरामेन वेल, ठीक है ना, पोरामेन वेल इज द मैंडिबुलर नर्व्स, ये क्या है, V3, V3 भी ट्राइजेमिनल नर्व्स का ब्रांच है, ठीक है ना। फिफ्थ में इंटरनल एक्वास्टिक मीटस, इसमें पेशियल क्रीनियल नर्व्स 7 आते हैं, वेस्टिबुलो कॉक्लियर क्रीनियल नर्व्स 8 आते हैं, जेगुलर फोरामेन में ग्लॉसोपेरिंजियल क्रीनियल नर्व्स 9, वेगस क्रीनियल नर्व्स 10, एक्सेसिव क्रीनियल नर्व्स 11, हाइपोग्लोसल कैनाल्स ई भी पोरामेना है, ठीक है ना। इसमें हाइपोग्लोसल क्रीनियल नर्व्स 12 आते हैं, और ओल्फैक्ट्री पोरामेना ओल्फैक्ट्री क्रीनियल नर्व्स 1 ये आते हैं। ये क्या है, सारे पोरामेना है, ठीक है ना। इसमें ये जितने जो 12 क्रीनियल नर्व्स होते हैं ये इसमें पास आउट होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं क्या चीज़, ये सुपीरियर रेक्टस, इंपीरियर रेक्टस, इंपीरियर ओब्लिक मीडियल रेक्टस, यहाँ पर क्या है सुपीरियर ओब्लिक, यहाँ पर लेटरल रेक्टस, ये मसल कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो ये मसल्स आई में मौजूद होते हैं, ठीक है ना। ये इंटीरियर व्यू ऑफ द क्या है, आई है, ठीक है ना। ये आई बाल है, ठीक है ना, वो एक कौन सा मसल है, सुपीरियर रेक्टस मसल्स है, और ये मीडियल रेक्टस है, लैटरल रेक्टस है, इंपीरियर रेक्टस एंड इंपीरियर ओब्लिक, और ये क्या है, सुपीरियर ओब्लिक है, ठीक है ना। तो बस नर्व्स सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लैटरल एंड इंपीरियर या इंपीरियर ओब्लिक या सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये लेटरल व्यू ऑफ द आई बाल है, ठीक है ना। इसमें भी कुछ ऐसे नर्व्स है, LR6 हम उसको कहते हैं, लेटरल रेक्टस 6 का मतलब है क्रीनियल नर्व 6, जो लेटरल रेक्टस इसको कौन सा नर्व सप्लाई करते हैं, 6 क्रीनियल नर्व सप्लाई करते हैं। 6 क्रीनियल नर्व कौन सा, एब्डूसन क्रीनियल नर्व्स है, ये यहाँ पर सप्लाई करते हैं इस मसल्स को, लेटरल रेक्टस को। सुपीरियर ऑकुलर मसल्स, सुपीरियर ओब्लिक मसल, ये सुपीरियर क्या है, ओब्लिक मसल्स है, ठीक है ना। सुपीरियर ओब्लिक, ये सुपीरियर ओब्लिक को कौन सा नर्व सप्लाई करते हैं, सुपीरियर ओब्लिक को ये क्या है, सुपीरियर ओब्लिक, ये सुपीरियर ओब्लिक ट्रोक्लियर नर्व्स फोर्थ क्रीनियल नर्व सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और ऑल द रिमेनिंग, ATR3 का मतलब है ऑल द रिमेनिंग, जितने भी नर्व्स है वो क्रीनियल नर्व्स 3 सप्लाई करते हैं, क्रीनियल नर्व्स 3, इंपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, ए इंपीरियर रेक्टस 3 अकुल मोटर ये सप्लाई करते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल एक्सप्लेन पेशियल क्रीनियल नर्व्स, वेस्टिबुलो कोक्लियर क्रीनियल नर्व्स, ग्लॉसोपेरिंजियल क्रीनियल नर्व्स, वेगस क्रीनियल नर्व्स, एक्सेसरी क्रीनियल नर्व्स एंड हाइपोग्लोसल क्रीनियल नर्व्स।